ये शौक है या मजबूरी? नाचने व गाने का धंधा कर पाल रही है पूरा परिवार। महिला दिवस पर विशेष नवाबगंज। इन्हें नहीं पता कि सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है या फिर महिलाओं का भी कोई दिवस होता है। बीते कई दशकों से ये महिलाएं न चाहते हुए भी नाचने गाने का धंधा करने पर विवश हैं। नगर से मात्र 5 किलोमीटर के फासले पर हाईवे पर स्थित विशनपुर ग्राम इसके लिए विख्यात है कि जब कभी भी डांसरों की जरूरत हो तो यहां पहुंचे आपको हर स्तर की डांसर उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे तो ये सभी नर्तकियां दूर दराज के इलाकों की रहने वाली हैं, मगर सहालत आते ही यहां आकर रहने लगती हैं और सहालत में सीजन पीट कर फिर वापस हो जाती हैं। लेकिन इनकी कुछ ठेकेदार महिलाएं यही अड्डा जमा कर रहती हैं। इनमें से अधिकांश इस घृणित धंधे से मुक्ति चाहती है, लेकिन इस धंधे में आने के बाद उन्हें कोई स्थायी ठिकाना मिलना संभव नहीं है। यही कारण है कि इसमें घुसने के बाद निकल नहीं पा रही है। सड़क किनारे बनी दुकानों के सामने एक स्टूल पर रखा बड़ा तबला इनके अड्डे की पहचान कराता है। पीछे की इन्हीं दरवानुमा दुकानों में इन नर्तकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। इनमें से अधिकतर तो अपने पुश्तैनी पेशे के चलते इस धंधे में फंस कर रह गई हैं और अब इससे छुटकारा पाकर घर बसाना भी चाहती हैं। अब चाहे वह बरेली के सुंदरपुर की शन्नो हो या फिर शाहजहांपुर के मिर्गापुर की ममता, सबका यही हाल है। कहती है आधी तो गुजर गई, अब जो बाकी रह गई है वह भी ऐसे ही कट ही जाएगी। इन्हें मर्द तो मिले हैं लेकिन मात्र कुछ वर्षों में ही छोड़ जाते हैं, तो फिर उम्र रहते दूसरा मिल जाता है। वरना यूं ही सुंदरपुर की शन्नो पिछले 15 वर्षों से सीजनल तौर पर यहां रह रही है। उसके 3 पुत्र हैं जो अपना परिवार बसाकर रह रहे हैं। पति तीसरी औलाद होने के बाद छोड़कर चला गया। ममता 36 की 4 पुत्रियां व 1 पुत्र है। पति बबलू भी बच्चों के साथ यहीं पर है। जब कोई ऑर्डर मिलता है तो बतौर डांसर चली जाती है और रात भर नाचने गाने के बाद कुछ कमा कर ले आती है। इस दौरान उसका पति भी रखवाले की तरह ही उसके साथ ही रहता है। रत्ना रिछोला की रेखा के पति ने भी उसे छोड़ रखा है और 18 वर्षीय बेटे को भी अपने पास ही रख लिया है। उसकी माता कमला 60 भी उसी के साथ रहती है। वह भी पहले नाच गाने का ही धंधा करती है, अब उम्र हो गई सो पति के निधन के बाद बेटी का ही सहारा है। एक है सुंदरपुर की प्रियंका, जो स्वयं को अविवाहित बता रही है लेकिन मांग में सिंदूर भरा होने के सवाल पर कहती है कि प्रेमी के नाम पर सिंदूर भर रखा है, शादी नहीं की है। इनके अलावा पीलीभीत की सुमन, सुभाष नगर की रानी, मुरादाबाद के हरतला की हिना व सुंदरपुर की पूजा सहित कई नर्तकियों ने विशनपुर में ही अपने सीजनल आवास बना रखे हैं। इनमें से ज्यादातर को नृत्य व गायन के दौरान ही इनके चाहने वालों ने अपना लिया, तो इक्का दुक्का का बाकायदा विवाह भी हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर की रानी का 4 वर्ष पूर्व बरेली के सुभाष नगर वासी विशाल के साथ विवाह हुआ और पति के संरक्षण में ही नाचने गाने जाती है। इन सभी के मन में इस धंधे से मुक्ति पाने की चाहत तो है लेकिन विवश है कि कोई भला आदमी उन्हें अपनाएगा नहीं। काशीपुर की रानी कहती है कि कोरोना ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। कोरोना के दौर के बाद से अब ग्रामों में नाच गाने के प्रोग्राम बंद हो गए हैं, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। अब कहीं प्रोग्राम में जाती भी है तो पुलिस का डर सताता है। किसी ने शिकायत कर दी और पुलिस ने पहुंचकर प्रोग्राम बंद करा दिया तो तय रकम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जेल भेजने की धमकी अलग, सो चोरी छुपे ही ये प्रोग्राम चल पाते हैं। इन्हें नहीं पता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। इन्हें तो बस अपने इसी धंधे से मतलब है। विशनपुर ग्राम में हाईवे पर इन ठिकानों पर कुछ शौकिये जरूर मंडराते दिख जाएंगे और सामने ही चारपाई पर मस्ताती खूबसूरत नर्तकियां भी जरूर दिखेंगी। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।